हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आरती और मैं लेके आती हूँ ट्रैवल एंड मेकअप की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो देन अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो आगे वाले वीडियोस आने वाले हैं वो मिस ना हो। पिछले वीडियो में हमने देखा टी प्लांटेशन मुन्नार। अगर आपने वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है देन अभी जाके चेक कीजिए एंड आई होप आपको वो भी अच्छा लगे। एंड इस वीडियो में हम जाएंगे रोज़ गार्डन मुन्नार। ये जो गार्डन है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब यहीं पे नहीं पूरे के पूरे केरला में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड आज हम इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स देखेंगे, मतलब एंट्री कितनी है, आपको कितना टाइम मिलेगा, कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है एंड मेनी मोर थिंग्स। सो विदाउट वेटिंग फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो एट फर्स्ट अगर एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे एंट्री 50 रुपीज़ है, हैंडीकैम के लिए 50 रुपीज़ अगर आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है एंड अगर आप वो अंदर लेके जाना चाहते हो देन आपको पे करने पड़ेंगे 500 रुपीज़। एंड बच्चे जो कि है 5 to 10 ईयर्स के अंदर तो उनके लिए है 25 रुपीज़। एंड जो गार्डन का टाइम है वो है 8 to 5। तो यहाँ पे ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है कि आप अगर अंदर चले गए तो इतना टाइम आपको अंदर रहना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू कम बैक, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक बार अंदर चले गए आप कितना भी टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सो आई प्रिफर कि आप सुबह के टाइम में जाओ, क्योंकि वहाँ पे सुबह का टाइम का जो नज़ारा है वो बहुत बढ़िया होता है। सो लेट्स सी आगे क्या क्या हमें देखने मिलेगा। जैसे कि इसका नाम है फ्लावर गार्डन, इसे रोज़ गार्डन भी बोला जाता है। सो यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स ना होके यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स, देन कैक्टस एंड सिर्फ एक ही नहीं तो उसके भी बहुत सारे प्रकार आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। एंड यू कैन सी ये कितना ज़्यादा कलरफुल है। एंड ये सिर्फ ये दिखने में नहीं तो यहाँ पे जो पूरा एनवायरनमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इवन बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स या फिर फ्लावर्स हैं एंड सिर्फ उन्होंने यहाँ पे वो लगाए नहीं हैं तो उनके जो नाम है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। आप वहाँ पे जाके उनसे जानकारी भी ले सकते हो एंड यहाँ पे आपको इंडोर आउटडोर जो भी प्लांट्स है उसके भी जो इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से ले सकते हो। एंड ये वाला तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज़ लुकिंग लाइक फ्लावर ओनली, मतलब जो हम सब्ज़ी खाते हैं गोभी की या फिर गोभी की सब्ज़ी जिसे बोलते हैं, ये सेम उसी तरह दिख रहा है। आपको अगर केरला आसपास है, मतलब आप उसी साइड में अगर रहते हो या फिर आपको कोई प्री वेडिंग शूट करना है जो होनी चाहिए कलरफुल एंड फ्लावर्स से भर के, तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे लोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पे फ़ोटोशूट आप करने के लिए अगर आओगे तो आपको बेस्ट फ़ोटोज़ मिलेंगी। एंड मेरी भी कुछ फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे फ़ोटोज़ मिलेंगे।
आई होप आपको ये जो फ़ोटोज़ है वो बहुत अच्छी लगी होंगी। एंड ये जो फ़ोटोज़ है मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हुए हैं, अगर वहाँ पे आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो देन अभी जाके फॉलो कीजिए। एंड आई होप कि आपको इससे एक आइडिया आया होगा कि वहाँ पे जाके आपको फ़ोटोज़ कैसे निकालने हैं। यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ निकालने के लिए बहुत प्रिटी, बहुत ज़्यादा सुंदर एंड बहुत ज़्यादा कलरफुल बैकग्राउंड मिलेंगे। एंड नॉट ओनली बैकग्राउंड, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉप भी उन्होंने यहाँ पे रखे हैं जिसके सामने या फिर जिसको यूज़ करके आप यहाँ पे फ़ोटोशूट भी कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो या आप यहाँ पर आके वीडियो शूटिंग भी कर सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी फेमस स्पॉट जिसे कहते हैं फोटो पॉइंट। एंड जो मैक्सिमम फ़ोटोज़ खींचे जाते हैं वो यहीं पे खींचे जाते हैं, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। सो लेट्स सी कि आगे एग्जैक्टली कौन कौन से और प्लान्स हैं। एंड ये है मम्मा पापा एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू क्लिक फोटोज। एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ पे मल्टीपल वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं। आई थिंक मोर दैन 100 वैरायटीज़ के प्लांट्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई कैन से दिस इज़ समथिंग लाइक अ स्मॉल हेवन ऑन दी अर्थ। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो इसके आसपास भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो, सच एज टी प्लांटेशन है, वहाँ पे आपको फ़ोटोशूट का भी मौका मिलेगा। एंड देन वहाँ पे आपको कुछ जो टी प्लांटेशन के अंदर जो लेडीज़ काम करती है उनकी तरह भी फ़ोटोशूट आप वहाँ पे करवा सकते हो, वो भी ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन वहाँ पे एक दो डैम भी है, मतलब उसके आगे जब जाओगे आप तो इसके बाद हम वहीं पे जाने वाले हैं। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ इतना ही है, और भी बहुत कुछ है, सो वो हम आगे देखेंगे। एंड यू कैन सी यहाँ पे ये जो कैक्टस है इनके इतने सारे वैरायटीज़ हैं, मैं तो बस दंग रह गई, इतने ज़्यादा कि आई थिंक ये मोर दैन 50 वैरायटीज़ होंगी इसकी। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे। एंड यहीं पे ख़त्म हो रहा है हमारा फ्लावर गार्डन। सो इसके बाद हम जाएंगे टी प्लांटेशन जहाँ पे आप निकाल सकते हो फ़ोटोज़। एंड यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि वो जो पीठ पे लेके होता है वो जिसमें पत्तियाँ डालती है चाय की, उसका भी यूज़ करके आप यहाँ पे फ़ोटोशूट कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पे आने के बाद भूख लग रही है तो यहाँ पे खाने के भी ऑप्शंस है, विच इज़ मैगी एंड भुट्टा। यहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, मतलब आसपास ही 2-3 फ़ोटो पॉइंट है जहाँ से आप फ़ोटो खींच सकते हो। एंड यहाँ यहीं पे आपको हॉर्स राइडिंग का, मतलब आपको अगर हॉर्स राइडिंग करनी है देन यहीं पे आपको हॉर्स राइडिंग भी मिलेगी एंड देन फ़ोटो पॉइंट भी मिलेंगे। एंड हेयर आई एम हैविंग माई भुट्टा एंड एंजॉयिंग दिस मेसमराइजिंग व्यू। Thank you.
टी प्लांटेशन के पॉइंट पे इतना ही था। सो इसके बाद हम जाएंगे मटुपेट्टी डैम, जहाँ पे हम अंदर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बाहर से देखेंगे, क्योंकि उस डैम पे सिर्फ बोटिंग एंड हॉर्स राइडिंग का ही, मतलब आप वहाँ पे बोटिंग एंड हॉर्स राइडिंग ही कर सकते हो। एंड अगर आपको अंदर जाना है देन 10 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस है, एंड अगर बोटिंग करना चाहते हो तो उसके भी अलग अलग प्राइस है, एंड अगर हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो देन आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सो इस वाले वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम जाएंगे इको पॉइंट एंड कुंडाला डैम, जो कि बना है आर्क शेप में। सो ये वाले वीडियोज़ अगर आपको मिस नहीं करने हैं देन अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।